फरुखाबाद स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाले, पहले कार्रवाई बाद में होते हैं समझौते। उच्च अधिकारियों की सह पर दिया जाता है कार्यों को अंजाम, वीडियो वायरल होने पर साध ली जाती है चुप्पी। जिले भर में स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे, राजनीतिकरण से चल रही कार्यवाही। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फरुखाबाद, बीते दिनों एक षड्यंत्र के तहत कायमगंज सीएससी प्रभारी पर लापरवाही का वीडियो जानबूझकर वायरल कराया गया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर एक नाकाबिल को प्रभारी निरीक्षक बनाया गया और निलंबन की कार्रवाई से लेकर बहाली तक राजनीति कर फायदा उठाया गया, जिसके बाद डॉक्टर सरवर इकबाल को शमशाबाद सीएससी प्रभारी पद पर लगभग 10 जुलाई 2023 को तैनात किया। परंतु डॉक्टर सरवर इकबाल लगभग एक माह से आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं और सीएससी शमशाबाद प्रांगण में बने सरकारी आवासों में ताले लटक रहे हैं, जिन पर दबंगों का कब्जा है, जिनके आगे उच्च अधिकारी नतमस्तक हैं और आवासों को खाली कराने में असमर्थ हैं। बीते 31 जुलाई 2023 को शमशाबाद नगर में सीएमओ वर्मा जी ने निरीक्षण किया और हमारे सहयोगी आसिफ राजा ने उनसे जानकारी ली, तब उन्होंने एक सप्ताह के भीतर आवासों पर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई करने की बात कहते हुए बताया। 24 घंटे का सर निर्देश है, लेकिन 24 घंटे के लिए यहाँ अल्टीमेटम ये भी है कि डॉक्टर रुकेंगे कहाँ, जो चिकित्सा प्रभारी हैं वो यहाँ तो रुकते नहीं है। चिकित्सा प्रभारी देखे जी जी, उनके उनके लिए रूम नहीं है सर, जो डॉक्टर पहले थे उनके कमरों में ताले लगे हैं और वो इधर उधर अपने ड्यूटी भी ज्वाइन करे हुए हैं। चिकित्सा प्रभारी जो हैं अभी थोड़े ही दिन हुआ है आए हुए यहाँ पर, और जो रूम अवैध कब्जे में है किसी के वो खाली कराया जा रहा है सब। अब वो कब तक क्या रिटर्न में कार्रवाई की जा रही है, डायरेक्ट सामान तो नहीं फेंका जा सकता। जी, 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 नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले हम रिटर्न कार्रवाई करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे कार्रवाई स्टेप वाइज बढ़ेगी तो कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही चाबी के चक्कर में हमारे यहाँ 3 चिकित्सा अधिकारी अपना ट्रांसफर ले गए, 3 लोग जा चुके हैं, उनको चाबी नहीं मिली थी। जैसे अभी जी सर ये जानकारी हमें नहीं थी कभी, जी चाबी के ही चक्कर में गए थे, चाबी के चक्कर ट्रांसफर लेके चले गए, ये जानकारी मुझे नहीं। आवास मिला है, उनको आवास नहीं मिला था रुकने के लिए, यहाँ बहुत परेशान थे। देखिए जब जानकारी अभी हुई है तो अब खाली कराया जा रहा है, पहले एक ये जो क्या नाम है सुनीता दिवाकर रह रहे हैं, इनको एक बार दिया गया था पहले भी नोटिस, लेकिन वो खाली अभी तक नहीं कहीं, फिर कार्रवाई चल रही है उनके। धन सिंह सर का भी ताला लगा हुआ है, वो लखनऊ में ड्यूटी ज्वाइन करे हुए हैं। हाँ धन सिंह को ही वो रिटर्न कार्रवाई चल रही है, पहले हम रिटर्न ही करेंगे, उसके बाद भी रिमाइंडर दिए हैं, फिर भी नहीं खाली खाली करेंगे तो आगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। परंतु एक सप्ताह नहीं एक माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसके बाद बीते दिन ACMO सर्वेश यादव शमशाबाद नगर में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर झोलाछाप चिकित्सकों को चेतावनी दी। ACMO सर्वेश यादव ने जब हमारे सहयोगी आसिफ राजा ने सरकारी आवासों पर कब्जा किए हुए चिकित्सकों व CAC प्रभारी को आवास उपलब्ध न होने के मामले में वार्ता की, तब उन्होंने भी आश्वासन देते हुए कहा, चिकित्सा प्रभारी शमशाबाद ये आवास के लिए भटक रहे हैं सर, और 27/7 में वर्मा जी को एडिशनल सीएमओ वर्मा जी आए थे, उनसे वार्ता हुई थी तो बता रहे थे कि एक हफ्ते में मकान खाली हो जाएंगे, और इन सभी की सर अदर जनपद पोस्टेड हैं और इनके मकानों में ताले लगे हैं कमरों में, तो क्या इनको मिल पाएगा सर? नहीं, इस संबंध में CMO साहब से मेरी भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो इसमें आवास में रह रहे हैं अब तक इनको नोटिस दिए गए हैं और इनसे फोन से बात भी की है, तो इन्होंने कहा कि हम जल्दी खाली कर देंगे, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि इन्हें खाली करना पड़ेगा, और जो प्रभारी यहाँ के हैं उनके लिए आवास तो मिलना ही चाहिए, बगैर आवास दिए अपनी सेवाएं कहाँ से ठीक से दे पाएंगे। समय सीमा है क्या? समय सीमा तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड रखा हुआ है उस कमरे में और एक हफ्ते में आकर खाली कर देंगे। एक हफ्ता तो सर हो चुका है, लगभग
काफी समय से चल रही है प्रक्रिया। अब एक हफ्ता, खैर समय तो व्यतीत हो गया एक हफ्ते का, लेकिन अभी खाली भी नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है सीओ साहब को इस संबंध में फिर से कोई ना कोई पत्राचार करना चाहिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, क्योंकि सारा फिर उन्हीं को करना होता है, हम लोग तो केवल सपोर्ट के लिए होते हैं। आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आम जनमानस को होने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फरुखाबाद स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है और उच्च अधिकारी कितने सतर्क हैं, ये बीते दिन वायरल हुए एक वीडियो ने बता दिया। आपको बता दें कि बी फार्मा व बी फार्मा इंटर्नशिप करने वाले छात्र व छात्राओं से अवैध धन वसूला जा रहा है, और ये भी खुल्लम खुल्ला कार्यालय के भीतर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक राजवीर सिंह एक छात्र से रिश्वत लेते हुए साफ देखे जा सकते हैं। आरोप है कि वरिष्ठ सहायक राजवीर सिंह छात्र व छात्राओं से मनचाहा अस्पताल दिलाने के नाम पर जमकर रुपए की वसूली करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रकार के सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं और उन पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है, क्योंकि कार्रवाई की जानकारी तो मिलती है, परंतु कार्रवाई के बाद कब और कैसे मामला रफा दफा हो जाता है, ये जानकारी नहीं मिल पाती। शमशाबाद आवासों पर कब्जे के मामले में सीएमओ से कई बार फोन द्वारा जानकारी ली गई, परंतु उन्होंने कार्रवाई का वादा कर मामला आया गया कर दिया। इसी के तहत वायरल वीडियो होने के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वरिष्ठ सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसने कहा गया है कि इंटर्नशिप के नाम पर अवैध धनराशि की मांग करना विभाग व शासन की छवि को धूमिल करना है, ऐसे में 3 दिन के भीतर वह अपना स्पष्टीकरण दें। हमारे सहयोगी ने जब वायरल वीडियो के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की, तब उन्होंने बताया। ये वीडियो देखा था मैंने, इसमें फिलहाल मैंने बाबू को सारी चार्ज हटा दी है, बाबू को, बाबू का ट्रांसफर कर दिया है राजपुर, ठीक है, और इसकी सूचना दे रहा हूँ मैं डी ए को, स्वास्थ्य भवन में जा रही है, अभी सदर इनकार कर दिया। तो जो आपने ट्रांसफर किया वो आज ही किया है? अभी हाँ, ऑर्डर कर दिया। तो कब तक ये वहाँ पर अपनी जो है वहाँ पर तैनाती सुनिश्चित कराएंगे? क्या कि कई बार आपने ट्रांसफर होते हैं लेकिन वो कागजों पे रह जाते हैं, तैनाती सुनिश्चित किया जाएगा? अभी ऑर्डर मिला नहीं, मिल जाएगा, आज ही टाइप हो रहा, उसके बाद ही दिन बंद कर लेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी सर इस तरीके के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। उसके अंदर खराब है, मैंने देखे थे तो सही करा रहा हूँ, क्या बोलिए, अभी वीडियो देख रहा है, ये सच्चा वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई वीडियो भी देख ला। क्या जो पीड़ित छात्र है उसमें उसकी पहचान की गई, उसके बाद की जाएगी? पीड़ित व्यवस्था उसके, इसके लिए क्या आगे किया जा रहा है? पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए क्या रखा, कोई किसी की रिस्पत ना दे। पीड़ित ने बाबू को धमकाने का आरोप लगाया, बाबू ने धमकाया पीड़ित को? गलत है, धमकाया तो मेरे स्तर से कार्रवाई पूरी की जाएगी।